और चलिए इसी बीच जो खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से एक खबर, जहां युवती से छेड़छाड़ का मामला, कोलार थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया निलंबित कर दिए गए हैं, मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। कोलार थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया निलंबित, मामले में लापरवाही बरतने का आरोप, युवती से छेड़छाड़ का मामला। इस मामले में जो खबर सामने आई थी कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, उस लड़की ने कहा कि मैं उस आरोपी का, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसको देखना चाहती हूं, उसे पहचानना चाहती हूं। उसकी आवाज तक पुलिस नहीं सुना रही थी। उसका कहना था कि, उसकी माताजी का भी कहना था कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप सुनवा दीजिए ताकि उसे पहचान लिया जा सके। युवती के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर वो काफी तरह से टूट गई है। उसका ये कहना है कि जिस तरह से तकलीफ मुझे हुई, उतनी ही तकलीफ उस दरिंदे को दी जाए जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे। कहा गया पुलिस बचा रही है उस अपराधी को, उस आरोपी को, जिसके बाद अब कोलार थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया निलंबित कर दिए गए हैं, लापरवाही बरतने का आरोप है।